रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताने जा रहे हैं हम आपको, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमने पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन में डिराइव करके भी देख लिया, पर वेपर डेंसिटी थोड़ा रिकॉल करना होगा आपको। वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट का हमने एक रिलेशन पढ़ा था विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, बताएंगे क्या होता था, क्या रिलेशन पढ़ा था? PD equals to mass by 2. मॉलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी हम क्या करना है, इसको रिलेट करेंगे। मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप पहले जरा समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा, मैं टाइम दे दूंगा आपको। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व कर लिया, हमने पूरे चैप्टर में इस बात को हमेशा ध्यान रखा है कि जो भी रिएक्शन आए वो रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा का सारा कंसेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शन पर ही वैलिड है। यहाँ पर हमने बोला है कि ए रिएक्टेंट है विच टर्न्स टू बी, लेकिन उसके कितने मोल्स में, एन टाइम्स, यानी वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। सपोज कर लेते हैं इनिशियल ऑफ ए इज 1, इन दैट केस बी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर इक्विलिब्रियम पे अगर आप बात करते हो तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, दिस बिकम 1 माइनस एक्स या अल्फा, आपको जो अच्छा लगे आप लीजिए, दोनों बात एक ही है, तो दिस बिकम एन अल्फा हो जाएगा, यस सर, राइट। वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, शॉर्ट में हम डीओडी ही लिख रहे हैं, राइट। अब अगर हम टोटल मोल्स देखें यहां पर, ये हमने केपी के लिए भी कैलकुलेट किया था टोटल मोल्स, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यस सर, यस सर, लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस एन माइनस अल्फा, यस सर, यस सर, पक्का है, यस, ऐसे रीअरेंज करके उसका भी हम आपको आंसर दे देंगे। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि हैं ए से बी बन रहा था, एन मोल्स ऑफ बी फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास, इनिशियल मोल हमने 1 लिया, बी एग्जिस्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम पे ये अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये एन अल्फा बन, राइट। अब इनिशियल वॉल्यूम अगर हम ए का वी ले लेते हैं तो मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो हमने मिक्सचर के मोल्स निकाले, इनको एड करके और उसमें वी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया मिक्सचर का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर वी से डिवाइड होता है ना, क्या चीज कह रहे हैं बेटा,
सर जो हमने पहले पढ़ा उसमें तो हम v से डिवाइड करते थे, अभी हम क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? आप बताओ क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? वो लॉ ऑफ मास एक्शन था, हम लॉ ऑफ मास एक्शन थोड़ी ना निकाल रहे हैं। वो मोल पर लीटर एक्टिव मास होता था, हम वो तो नहीं फाइंड कर रहे हैं ना। हाँ सर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? तो हमने जितने भी मोल थे उसमें बी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको निकालना क्या है? डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई वॉल्यूम। तो सपोज कर लिया मॉलिक्यूलर वेट एम और वॉल्यूम वी है, ये बिफोर डिसोसिएशन हो गया, जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। आफ्टर डिसोसिएशन भी क्या फॉर्मूला? तो वही रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे हम एबनॉर्मल डेंसिटी भी बोलते हैं, मिक्सचर की डेंसिटी भी बोलते हैं। मास तो उतना ही रहा पर वॉल्यूम कितना हो गया? क्योंकि मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 इनटू वी आ गया। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, एक कैपिटल डी को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी स्मॉल डी को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, एम से एम कैंसिल, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 हो गया। हमने यहां से अल्फा फाइंड कर लिया, कैपिटल डी माइनस डी अपॉन स्मॉल डी इनटू एन माइनस 1। ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डेंसिटी का रिलेशन हो गया। स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, कैपिटल डी डिसोसिएशन से पहले की डेंसिटी, आफ्टर डिसोसिएशन एबनॉर्मल और मिक्सचर डेंसिटी स्मॉल डी। अभी आप इसे कॉपी करिए, इसके डिफरेंट फॉर्म्स है वो हम आपको बताते हैं। सर वो क्या लिखा है? n is equals to number of moles of कहाँ पर?
सर वो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन फ्रॉम वन मोल ऑफ रिएक्टेंट, एक मोल रिएक्टेंट से कितने मोल्स ऑब्टेन हो रहे हैं? सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है लास्ट लाइन में? कहाँ पे लास्ट में? ये नहीं सर, स्टार्टिंग में स्मॉल डी के ऊपर, स्मॉल डी के ऊपर नॉर्मल और मिक्सचर डेंसिटी, एबनॉर्मल या मिक्सचर की डेंसिटी। ओके सर। गन सर। बाकी लोगों को भी कर लेने। कौन इतना म्यूजिकल हो रहा है भाई? सर वो लास्ट लाइन वाला क्या है? आफ्टर वाला, बिफोर मोलार डेंसिटी आफ्टर। अच्छा, मोलार डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन दैट इज आल्सो कॉल्ड एबनॉर्मल और मिक्सचर डेंसिटी। डन सर। डन सर। बाकी लोगों को कर लेने दो। Yes, sir, done. अब देखिए जरा इसमें, अभी आपको मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेट कराया, तो इसी फॉर्मूले का एक और फॉर्म क्या हो सकता है? डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल एम एबनॉर्मल और मिक्सचर का वेट, एन नंबर सेम रहेगा, अल्फा सेम रहेगा। समझ में आ रहा है ना? कैपिटल डी क्या है? बिफोर डिसोसिएशन। डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। यस सर। आल्सो कॉल्ड थ्योरेटिकल डेंसिटी। यस सर। इसे हम क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। इसी तरह कैपिटल एम क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बिफोर डिसोसिएशन और थ्योरेटिकल। ओके सर। मैं इरेज कर रहा हूं और इस पे आपको क्वेश्चन करके बताना है। एक ही ट्रेंड का क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते इसमें।
देखिए वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 इज फाउंड टू बी 40 फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज गिवन. एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, परसेंटेज ऑफ NO2 इन मिक्सचर बताना. हमने जो फॉर्मूला पढ़ा बस एक ही फॉर्मूला है करने के लिए, करिए जरा अप्लाई. क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस सर.
50% आ रहा है थर्ड का आंसर। ऊपर के दोनों हो गए। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? सर हाँ? सर एक बार आप एक्सप्लेन कर दो उसके बाद। हाँ सर आप एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन। ठीक है मैं कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या गिवन है। गिवन क्या है क्वेश्चन? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी पूरा पढ़ो क्या कौन सा वेपर डेंसिटी। सब तो वेपर डेंसिटी है यहाँ। मिक्सचर का ऑफ NO2। मिक्सचर का गिवन है मतलब कैपिटल डी है स्मॉल डी गिवन है। स्मॉल डी स्मॉल डी कैपिटल डी क्या होता है थ्योरेटिकल। तो बिफोर बोर का थ्योरेटिकल कितना होगा कितना हो गया 92 46 आया टोटल डेंसिटी। यस सर यस सर। आपको कैपिटल डी पता है आपको स्मॉल डी पता है आपको क्या निकालना है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट तो डायरेक्टली निकल जाएगा 40 into 2 ये हो गया पहला पार्ट। कैसे सर कैसे सर। अच्छा आप जहाँ डिराइव किया था वहां देखो जरा स्मॉल डी को क्या बोलते हैं पढ़ के। Abnormal और mixture और density after dissociation यही बोलते थे ना। Yes sir ये आपको कितना given है 40 yes, और आपसे पूछ yes, रहे हैं abnormal molecular weight तो आपके पास abnormal density है तो abnormal molecular weight ही निकलेगा। हाँ सर 2 times हो जाएगा। 2 times क्यों होगा रेशियो है ना। अरे मेरे लास्ट पर फॉर्मूला लिखा है टॉप पे पढ़ो। हाँ सर समझा फर्स्ट पार्ट। यस सर हाँ सर। अब सेकंड पार्ट में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। आपके पास कैपिटल डी है आपके पास स्मॉल डी है फॉर्मूला भी है। कैपिटल डी कितना है 46 माइनस 40 अपॉन 40 स्मॉल एन कितना आ जाएगा 1 से 2 हो रहा है यानी 2 - 1 सॉल्व इट। अब थर्ड पार्ट कह रहा है परसेंट ऑफ एनओ टू। तो परसेंट एनओ टू कैसे पता चलेगा तो मोल्स ऑफ एनओ टू अपॉन टोटल मोल्स। परसेंट निकालने का तो तरीका यही होता है ना। yes, sir. Yes, sir. हमने जब डिराइव किया था तो आपको बताया था इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस अल्फा और ये अल्फा होता है। यस सर 2 अल्फा ये 2 अल्फा हो गया और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे रखो वैल्यूज। हाँ सर आ गया आंसर मुबारक हो जल्दी से बाकी लोग कैलकुलेट करके बताओ 26.08 कितना 26.08 सकता है। सबका सॉल्व
यस सर आया। कितना आया परसेंटेज बोलिए तो? 26.0। यस सर। यस सर। सबको समझ आ गया ना? यस सर। यस सर। अभी जिनका मैच नहीं किया वो मैच करा दो तो फिर मैं आगे का स्टार्ट करूं। सर 1 मिनट कॉपी कर। करिए। Done, sir. सबका हो गया कॉपी? One minute, sir. आराम से लिखो। Done, sir. Done, sir. Thank you, sir. Done, sir. Sir, wait. Yes, sir, done. सबको स्टेप्स क्लियर हो गया ना? अब देखो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना उस पूछेंगे यही दो चीजें तीन चीजें कुछ नया नहीं हो कभी डेंसिटी के टर्म में कभी मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में अगर केस डिसोसिएशन का है तो बहुत लिमिटेड चीजें ही हम यहाँ पर फाइंड करते हैं बहुत कुछ बनता नहीं है क्वेश्चन में यस सर यस सर Vapor density of mixture of NO2 and N2O4 is 38.3 at 26.7 degrees Celsius. Calculate the number of moles of NO2 in 100 gram mixture. सर वो लास्ट में क्या लिखा है N2O is
NO2 is in 100 gram mixture is 38.3 at 26.7 degrees Celsius. Okay, sir. Thank you. समझ आया क्वेश्चन भाई? यस सर। यस सर। हो गया? वन मिनट। Still trying sir. Thank you.
सर वो 267 डिग्री सेल्सियस है ना. 26.7. सर 33.5. बाकी लोगों का आ जाने दो. आया भाई किसी का? नहीं सर. हाँ सर आ गया. थर्टी 33.5 आ रहा है. नहीं यार आप लोग कैसे कर रहे हो? इस क्वेश्चन में तो कुछ करने के लिए जैसा भी नहीं था. देखो ये है, हम कहते थे इक्विलिब्रियम पे ये 1 - α ये 2α होगा. अब क्यों उन्होंने हम मोल्स बोल दिए? तो सपोज कर कितना, अच्छा 100 ग्राम मिक्सचर बोला है तो मोल्स कितने हो जाएंगे?
N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1.08 हो गया? Yes, sir. तो 1.08 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें. हाँ सर. बस अब से मोल्स ऑफ NO2 पूछा, इतना ही तो होगा. करो सर, हो गया क्वेश्चन. सर सर आपने 1.08 मल्टीप्लाई क्यों किया सर, समझा नहीं क्यों किया. बेटा हम लोग 1 मोल के लिए निकालते हैं ना ये. अभी उन्होंने बोला 1.08 बोले तो 1.08 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये आप देखिए PCl5 का हमने वो किया था डिसोसिएशन. नोट्स खोल के देखिए लास्ट लेक्चर में ऐसे ही तो था. ओके सर. हटा दूं? समझ आया भाई सबको कि नहीं? अभी भी यस सर. यस सर. जी एक और करके देखते हैं. रिएक्शन के बने NO2 is 20% of total volume at equilibrium. कौन है जो नहीं पढ़ाई कर रहा है? Thank you.
बोल रहा हूँ। हाँ जी गाइस हुआ
सर 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 फर्स्ट का आंसर 43.16 है और सेकंड का 86.32। एक सेकंड, फर्स्ट का आपने कितना बताया है? 43.16। नहीं, सेकंड का क्या बोला आपने? 86.3। सर फर्स्ट का 41.4 आ रहा है। और थर्ड का 11.11। देखिए आपको NO2 का पल्स दिया था, हम इसे वैसे ही माइनस अल्फा टू अल्फा, तो परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, परसेंट NO2 इज इक्वल टू 2 अल्फा ये फॉर्मूला याद आ रहा है? यस सर, प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। परसेंट NO2 यानी कि ये दिया हुआ है 0.2 20/100 एक्चुअली 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इसे सॉल्व करो और अल्फा निकालो कितना आ रहा है, निकालो यहां से अल्फा कितना आएगा, 0.2 प्लस 0.2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 0.2। सर कैंसिल हो रहा है, कैसे कैंसिल हो जाएगा भाई, चैप्टर में कितना हुआ 1.8 आया ना? यस सर, यस सर, 0 1.8 अल्फा ये माइनस का था ना, इसको तो 0.2, तो अल्फा कितना आ गया 0.18, 1/9 आ गया ना अल्फा। अब yes, आपके पास है, आपको फाइंड करना है, हाँ, अब आपको वेपर डेंसिटी फाइंड करनी है, तो कौन सी वेपर डेंसिटी फाइंड करनी है, तो ऑब्वियसली आपको एबनॉर्मल वाली फाइंड करनी होगी, थ्योरेटिकल तो आपको पता ही रहती है। कैपिटल डी तो 46 ही आएगा, स्मॉल डी आपको फाइंड करना है, अल्फा आपके पास 1/9 है, स्मॉल एन आपके पास 2 है, और कितना है स्मॉल डी 41.4 आ गया स्मॉल डी। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल हो जाएगा 82.8, ये हो गया। फिर परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 दैट इज अल्फा, यस सर, इनटू 100 कर दो, अगर परसेंट बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 11.11 आ रहा है, हां बराबर है, ये थर्ड पार्ट में, यस सर। सर मैंने भी यही किया था, बस 20 मैंने लिया था, 0.20 नहीं लिया था, इसलिए मेरा रॉन्ग आया। हां 20% है ना, परसेंट का मतलब ही 20/100 हो जाता है। ओके सर, यस सर। किसी को कॉपी करना है? यस सर, यस सर, करी करी।
डन सर. वन मिनट सर. Done, sir. देखें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द गिवन रिएक्शन. स्टार्ट करिए. सर इसमें a और d तो दोनों सेम ही है ना. अरे सॉरी सॉरी सॉरी. Done, sir. हो गया. सबका हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. बताइए पहले में कितना है? मैं आंसर लिख रही हूँ. आंसर ही बताइए ना. एम कितना आ रहा है पहले में दूसरे में? आपको सिर्फ नंबर बताना है एम कितना आएगा बस. पहले के लिए एन कितना है? टू. टू. दूसरे के लिए? टू. तीसरे के लिए? 1.5. चौथे के लिए? टू.
टू फर्स्ट के लिए 3/4 करेक्ट किसी को कोई डाउट ये एक मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया है मैंने आपसे कैलकुलेट करवा लिया बस इतना डिफरेंस है क्लियर है सबको हाँ सर यस सर कॉपी कर लीजिए मैं रेस करूंगा सर वन मिनट सर Done, sir. Done, sir. हो गया यस सर यस सर अच्छा अब वैसे तो क्वेश्चंस नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं हमने अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा था अगर केस डिग्री ऑफ एसोसिएशन का हो जाए तो भी हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले में सब कुछ वैसे ही रहेगा बस ये वन मत ये हो जाए एसोसिएशन का मतलब क्या होता है हमने वन मोल एसिटिक एसिड लिया और इसने अपना डाइमर बना लिया इसे एसोसिएशन बोलते हैं समझ में आ रहा है नो सर यस सर ठीक है तो फॉर्मूले में क्या आएगा n माइनस वन की जगह 1/n-1 आ जाएगा सर बस नोट कर लीजिए इसको सर एक बार सर समझा नहीं यस सर नहीं समझा डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है डिसोसिएशन का मतलब बोलिए स्टेट होता है जिसमें टूटना यस सर ब्रेकडाउन अब एसोसिएशन का मतलब क्या होगा जुड़ना जुड़ना तो सिर्फ दो दो मोल आपस में जुड़ गए अरे H2+I2 सर लेकिन इसमें फिर ब्रैकेट के बाहर 2 कैसे आया वो नहीं समझा ब्रैकेट के बाहर 2 कहां से अरे बेटा ये बैलेंस थोड़ी ना करिए कोई रिएक्शन हमने अच्छा वो तो बैलेंसिंग हो मतलब एक आइडिया के लिए मैंने लिख दिया तो बैलेंस करना तो सेकेंडरी पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ वही रहेगा केवल 1/n करना है न्यूमेरिकल आप मिलेंगे नहीं लेकिन आपको आइडिया रखना है ये बोल रहा हूँ ओके सर ओके सर कुछ आता है तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे बट मॉड्यूल में आप करेंगे तो आपको पता चलेगा सर इसमें तो वही है ना कि कौन से साइड शिफ्ट होगा रिएक्शन हाँ जी हाँ जी हाँ जी
दो मिनट उठ जाना है ना, बाद में कॉपी करना। देखिए जरा क्या होता है ली शेटलर प्रिंसिपल। हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो आप उसमें प्रेशर, टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन में से कोई भी चीज अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगी, यानी कि आपने जो इफेक्ट डाले हैं उस इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझ लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और आप उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस डालते हैं, बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्शन अपने आप को रीएडजस्ट कर लेती है टू नलीफाई द इफेक्ट, टू नलीफाई द स्ट्रेस, जो भी चेंजेस आप कर रहे हो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने क्या किया इसमें अपना प्रॉफिट ढूंढ लिया। क्या प्रॉफिट ढूंढा, कि अब हम इसका मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके हम अपने प्रोडक्ट के अमाउंट को, अपने प्रोडक्ट की यील्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो यस, हम वही करने वाले हैं। एप्लीकेशन में मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे रिएक्शन की दो कैटेगरी है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब होता है डेल्टा एच नेगेटिव और एंडोथर्मिक मतलब होता है डेल्टा एच पॉजिटिव। तो जब जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा यानी एक्सोथर्मिक होगा, आप रिएक्शन का टेम्परेचर लोअर कर दीजिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। यानी कि अगर आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है, फॉरवर्ड ले जाने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, तो लो टेम्परेचर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह अगर एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, आप हाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, आपका प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट है प्रेशर का। प्रेशर में आपको डेल्टा एनजी यूज करना है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिक। डेल्टा एनजी अगर जीरो हुआ तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। डेल्टा एनजी याद आ रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा एनजी हुआ तो ठीक होगा, डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव हुआ तो लो प्रेशर देंगे फॉरवर्ड चली जाएगी, नेगेटिव हुआ तो हाई प्रेशर देंगे तो फॉरवर्ड चली जाएगी। अब वाइस वर्सा, आप उसका उल्टा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर ऑलवेज फेवर्ड। जब जब आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे प्रोडक्ट ऑलवेज ज्यादा बनेगा। अब कैसे अप्लाई करना है तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको। ओके सर। सर कैटेलिस्ट का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? नहीं, कैटेलिस्ट इक्विलिब्रियम पे नो इफेक्ट। सर सेकंड लाइन में देन द इक्विलिब्रियम के बाद क्या लिखा है? शिफ्ट। शिफ्ट, ओके, इन दैट डायरेक्शन। थैंक यू।
Done, sir. One minute, sir. हो गया सर? यस सर। यस। मैं इसके एप्लीकेशंस आपको बताता हूँ। सर लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? ऑलवेज फेवर्ड। ओके थैंक यू सर। Done, sir. Thank you, sir. देखें उन तीन फैक्टर्स के अलावा हम इनर्ट गैसेस को ऐड करके हम रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आपने ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे किया, डेल्टा एनजी जीरो हुआ, नो इफेक्ट। डेल्टा एनजी पॉजिटिव हुआ और आपने इनर्ट गैस डाला तो रिएक्शन किधर जाएगी? टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। डेल्टा एनजी निगेटिव हुआ तो किधर जाएगी? टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इन पे देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं नीचे का पूरा इरेज कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। सर फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्यों जाएगा? आप इनर्ट गैसेस डाल रहे हैं ना, इनर्ट गैस का मतलब होता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, बट यहाँ दैट्स कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज कर दे। ओके। आपको इन रिएक्शंस में फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तीनों फैक्टर्स बताने हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन
आपको तीनों फैक्टर्स यानी प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन बताना है। चलो फटाफट से कॉपी करो, स्टार्ट करो सॉल्व करना। सर आपने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है? 2NH3 N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus X kilocalorie। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, सारे के सारे गैसियस फेज में हैं, कार्बन क्या गैस लिखा है, अकेला यही सॉलिड है। Answer. हो गया सबका? गाइस सबका हो गया? Yes, sir. चलो पहले में बताइए प्रेशर कैसा चाहिए, लो कि हाई? हाई। हाई। 2, 4 Yes. हाई प्रेशर चाहिए। टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई। हाई टेम्परेचर। लो लो लो। यहाँ पर एक्स है ना, लो चाहिए, डेल्टा एच माइनस एक्स हो जाएगा। यस सर। समझे कि नहीं? यस सर। एंथैल्पी के लिए तो इसको अलग करना पड़ेगा ना आपको। सर क्या बोले, सुना नहीं? कॉन्सेंट्रेशन हाई। अरे मेरे भाई, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो डेल्टा एच माइनस एक्स हो गया। हाँ ये हाँ सर, मैंने लो ही बोला, मैंने लो ही बोला। अच्छा अच्छा चलो सेकंड में बोलिए। प्रेशर जीरो।
प्रेशर जीरो हाई प्रेशर टेम्परेचर नो इफेक्ट प्रेशर टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन हाँ हाँ टेम्परेचर बोलो हाई टेम्परेचर बोलो हाई 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 कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज हाई यस सर हाई चलो थर्ड में बोलो जीरो प्रेशर अरे नहीं 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 लो प्रेशर होगा सर लो प्रेशर ध्यान से देखो इधर दो मोल्स हैं और इधर वन मोल है सॉलिड कंसीडर नहीं किया जाता yes, हाँ सर हाँ सर हाँ टेम्परेचर लो लो कॉन्सेंट्रेशन हाई हाई लो लो हाय 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 कंसंट्रेशन हाय 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 समझ आया यस सर यस सर सर Yes, sir. हो गया कॉपी यस सर कोई रह गया कॉपी कर लिए नो सर नेक्स्ट एंड लिए फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या सर क्या बोल देखो क्या है फिजिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम ये नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे ये लास्ट सब टॉपिक है खत्म हो गया चैप्टर नेक्स्ट पे मॉड्यूल डिस्कस करेंगे और फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करेंगे इज इट ओके गाइस यस सर यस सर मॉड्यूल सॉल्व हो जाना चाहिए बिकॉज नेक्स्ट पे डिस्कशन के बाद दोबारा डिस्कशन करूंगा नहीं मैं okay, सबका sir. हो जाना चाहिए हो जाएगा ओके गाइस बाय बाय सर